यार इसका बहुत दुख हो रहा है, इसको देना। पकड़ो, क्या कर रहे हो? देखो कैसे कुत्ती भी जा रही है। देखो देखो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये देखो यार, मेरे कपड़े खा रही है, इसके काम देखो। सुकून नहीं है, मेरे कपड़े खा रही है। कपड़े भी खा रही है मेरे, नहीं बिल्कुल। उसको भी पिद्दो रानी को भी सुकून नहीं है, उसने सारा उसका दाना घेर के खुद खाने लग गई है। इसको हटाओ, दूर करो पिद्दो को। ये हमारी पिद्दो रानी, लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती है। और ये भी बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा। रात को सोने नहीं दिया, इतना ज़्यादा शोर करा इसने। और इसने अपने जो इसको पिनाई थी जर्सी थी, वो भी इसने उतार दी। एक बुरी खबर है कि ये हमारी बकरी हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। इसने सारी रात हमें नहीं छोने दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी कि क्योंकि ये अकेली थी ना, इसके साथ कोई नहीं था। इसीलिए हमने सोचा है इसे अभी दे देते हैं, कुछ टाइम बाद हम ज़्यादा बकरियाँ लेंगे ताकि वो एक साथ सही रहे। अभी अकेली है ये, पीछे पहले जहाँ से आई है वहाँ पर ज़्यादा बकरियाँ थी, इसीलिए ये अकेली आकर यहाँ पर उदास हो रही है। यहाँ अकेली रह भी नहीं पा रही है यहाँ पर। रात को बहुत ज़्यादा शोर किया इसने अकेली ने। इसको हमने जर्सी पहनाई है, वो भी उतार दी इसने। बोल रही थी मैं नहीं पहनूंगी सर्दी, मुझे मेरे दोस्तों के पास जाने दो, लेकिन हम इसे भेज देंगे बहुत जल्द अब इसके दोस्तों के पास, ताकि ये वहाँ पर खुश रहे। फिर कुछ टाइम बाद जब हम लेकर आएंगे, इसके सारे दोस्त ही ले आएंगे, इसके दोस्तों को भी साथ लेकर आएंगे फिर। और जब हमारे पास रखने के लिए जगह भी होगी, और सर्दी की टेंशन नहीं होगी। अभी सर्दी की टेंशन भी होती है क्योंकि बीमार ना हो जाए। और हमारे डफ के नीचे से यार अभी तक बेबीज नहीं निकले उसके अंडे में से, कबूतर के जो थे। अभी कब से वेट कर रहे हैं कि निकलेंगे, लेकिन नहीं निकले। अल्लाह करे बस जल्दी निकल जाए, ऐसे ना हो कि अंडे ही ख़राब हो गए हो। इसको ये ऊपर आपने चढ़ाई, हाँ देखो कहाँ से ऊपर चढ़ी गई। इसका ताज देखो कैसे हल्का, देखो ये फिर गिर गई नीचे। इसे हटाओ, खरगोशों को भी हटाओ, ये भी उसका खाना खा गए। इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर भी वो देखो, इन्होंने बंद ही कर दिया। हमने वो जो लगाया था अंदर घोंसला बनाएंगे, इन्होंने उसको बंद ही कर दिया। और कबूतर के बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए, अब खुद खाना खाने लग गए हैं बाहर आकर। ये इसे उड़ाते भी है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा उड़े, इसे ऊपर भेजते, ऊपर भेज दो इसको। देखो ये गया ऊपर, अब ये नीचे आएगा दोबारा, और ये नीचे आ जाएगा वापस। ये देखना भी माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा कबूतर है, अभी छोटा है, बस बड़ा हो जाए फिर इसको भी उड़ाएंगे हम हमारे दूसरे कबूतर के साथ। देखो ये काफ़ी बड़ा हो गया है अब तो। ये उड़ता है, लेकिन जो छोटे वाला है वो नहीं उड़ पाता, वो इससे कम उड़ता है, इतना बड़ा नहीं उड़ सकता कि ऊपर चला जाए या ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन बड़े वाला उड़ उसके लेता। जख्म भी है ना, वो बिल्ली ने जो मारा था इसलिए जख्मी भी है ये। और हमारी मुर्गी के भी बच्चे निकलने वाले, हमने इसके पास अंडे एक साथ रखे थे, तो जब इसके बच्चे निकलेंगे, ऐसे एक निकला फिर थोड़ी सी देर बाद दूसरा निकला, ऐसे निकलेंगे। अगर अंडे आगे पीछे देते हैं तो दिनों का फर्क होता है, तो बच्चे भी टाइम बाद निकलते हैं, लेकिन इसके पास हमने अंडे एक साथ रखे तो बच्चे भी एक साथ आएंगे। और ये भी बस, ये एक तो इसके बाद दाना भी खत्म है, इसके पास भी दाना रखो। ये बैठी बैठी खाने लग गई है, अब हम इसे नहीं उठा रहे। पानी भी रख दिया हमने इसके पास, दाना भी रख दिया, ये वही बैठी बैठी खा लेती है। और ये अब यार इसका बहुत दुख हो रहा है, इसको देना पड़ रहा है। हम सोच रहे थे रखेंगे इसको अपने पास, का नाम भी हमने सोचा था, लेकिन हमने इसका नाम नहीं रखा। लेकिन जब हम बाद में लेकर आएंगे, जब हमारी जगह होगी, फिर इसका नाम रख लेंगे। और जब हम दोबारा बकरी लेकर आएंगे तो यही वाली लेकर आएंगे, क्योंकि ये हमें पसंद भी आई है और ये अच्छी भी है। बस ये जब बाकियों के साथ होगी तो शोर नहीं करेगी, हमें तंग नहीं करेगी। ये है भी हमारी, इसलिए हमारे से दूर नहीं रहेगी, हमारे पास ही आएगी, कहाँ जाएगी। और ये हमारे तोते, ये भी इसमें उसमें जाने लग गए, इससे नहीं डर रहे। और हमने उसके पास छोड़ा चिड़िया पर डफ को, वहाँ से डफ को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डफ बहुत ज़्यादा उनका दाना ज़ाया कर रही है, छोटी चिड़िया का दाना सारा घेर देती है नीचे। और ये घूम रहे हमारे बटे, वो देखो नीचे गए, नीचे घूम रहे ये। और देखो हमने कबूतर को कहाँ दूर भगा दिया, उनको दाना डाला था, खा गए सारा। इनको बंद करो अंदर, इनको अपना खाना खाना नहीं है, दूसरों का खाना है, इसको बंद करो अंदर दोनों। ये तो मासूम है, ये बेचारा हाथ में आ जाता है, लेकिन ये कुछ भी हो जाए, अगर डबड़े में जाएगी तो हाथ में आएगी, ऐसे कभी नहीं आ सकती, नामुमकिन काम है। चलो और कान से पकड़ेंगे ना, फिर बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, फिर नहीं हिलते। इसको भी इसके नीचे बंद करो, टपके नीचे बंद कर दो इसको भी। ये बहुत ज़्यादा तंग करिए, उनको खाना नहीं खाने दे रही है। पकड़ो, क्या कर रहे हो? देखो कैसे कुत्ती भी जा रही है, वो देखो कैसे भाग गई। और मोर को देखो अभी, जाओ अंदर, अभी अंदर रहो जब तक वो खाना खाएंगे। अभी इनको डालते हैं खाना, आपका खाना दूसरा ये नहीं है, और आपका भी नहीं है, ये सिर्फ कबूतरों का है। आ जाओ जल्दी खा लो आगे।
अभी ये खाना खा लें, जब तक हम चलते हैं ऊपर हमारी बत्तखों को देते हैं, वो अभी तक यहाँ आई हुई थी फिर वापसी ऊपर गई हैं। पानी रख दो इन को और इनको भी थोड़ा सा खाना डालते हैं, ये पानी दे मैं खाना डालता हूँ इनको, और ये देते हैं हम इसको अपनी बकरी को, ये लो खा लो जल्दी नीचे से खा लो बस, और ये देते हैं इनको खा लो जल्दी से। ये देखो हमारी मुर्गियाँ भी ये खाती हैं, और उधर मोर को नहीं दिया, मोर भी खा लेगा। आ जाओ मोर आ जाओ, बस मोर को डालेंगे क्या, ये चला गया बकरी के पास से खा लेगा उसको। वो देखो माशाल्लाह से कबूतर भी खा रहे हैं अभी, इनको हम देंगे, अभी दिया है थोड़ी देर पहले इसलिए अभी नहीं थोड़ी देर से देंगे, या अभी दे देते हैं थोड़ा सा, ये वैसे भी ज़्यादा नहीं खाएंगे। और ब्लैक वाला हमने ऊपर छोड़ दिया क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था, इससे ऐसे ऊपर छोड़ा है, तो इसको वाइट वाले ने कल मारा भी है ब्लैक वाले को, और अभी हमने इनको भी डाल दिया। अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर वाले पेट्स को खाना देते हैं जाकर। और ये देखो हमारे कबूतर, वो देखो माशाल्लाह से इन्होंने भी अंडा दिया, देखो इन्होंने भी, मेरे को लगा नहीं दिया होगा अभी, कहाँ हुए हटो तो सही आगे से। ओ ये देखो, लेकिन ये बैठे हुए पता नहीं क्यों नहीं थे, ठंडा हुआ हुआ अंडा, खराब ही ना कर देना, अब दिया है तो बैठना भी है इस पे, इसको इनको ना शर्म नहीं आती, उसको तंग कर दिया, देखो अंडों पर बैठा हुआ है ना उसको तंग कर दिया, जाके डर कर पीछे चली गई है। और ये देखो माशाल्लाह से ये भी बैठे हुए यहाँ पे, बस ये भी अंडे देते हैं जल्दी, इन्होंने नहीं दिया, और इन्होंने और कोने वाले ने भी देना यार। अब बकरी देखो फिर बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, क्या हुआ मैम तुम ही हो और कौन है यहाँ पे, चुप, कितनी लंबी हो गई देखो, हम सामने होते ना फिर नहीं शोर करेगी, अगर हम थोड़ा सा इसकी दूर हो जाएंगे ना, कपड़ा खा रही है, कपड़ा खराब कर रही है, खराब नहीं खा रही है, ये खा रही है नीचे गिर देगी कुछ ना कुछ। और ये आ गए हमारे कबूतर ही बाहर, अभी ये बाहर नहीं निकालना था, हमारा कबूतर उड़ रहा था, जाओ अंदर जाओ, अभी नहीं आपको बाहर आना, आप आओगे थोड़ी देर से, चलो अंदर। नहीं तो वो वाला भी नीचे आ जाएगा, वो वाला भी उतर जाएगा, नहीं तो अगर वो भी अभी उड़ता रहे भले। ये रहा वो कबूतर, ओ ये रहा, और ये कबूतर है बाकी हमारे ऊपर बंद किए हुए वाले, इन्हों के पर आएंगे ये उड़ाएंगे हम, इसलिए हमने इनको ऊपर बंद किया हुआ है। और अभी ये देते हैं इन्हों को खाने के लिए, ये देखो सारे के सारे कैसे करीब आ रहे हैं, क्योंकि ख़त्म हुआ हुआ था इसलिए ज़्यादा शोर कर रहे थे ये, और पानी देखो इन्होंने सारा घेर दिया, इन्हों को सुकून नहीं है। पीछे जाओ, अभी बुला रहा हूँ ना, फिर आना करीब, उससे पहले नहीं आना, डाल दिया या खा लेंगे आकर। और अभी छोटे वाली को देते हैं क्योंकि छोटे वाली अक्सर नहीं खाती है, ठीक है ये बड़े वाली मार्केट में दूर भगा देती है इसलिए छोटे वाली खाती नहीं है। अभी देखो यहाँ पर आ गई है वो मुर्गा मुर्गी है ना वहाँ पे, इसके डर कर पीछे हो गई। शेब नीचे से बाजरा लेकर आओ, बाजरा भी लाकर डालो थोड़ा सा। और अभी इनको देते हैं ये भी खा लें, आ जाओ जल्दी आ जाओ, आपका वहाँ पे जाओ, मुर्गियों के पास जाओ, वहाँ से मुर्गियाँ हटाओ वहाँ पर खाओ, ये छोटे वाली बत्तख का ये नहीं है आपका, जाओ उधर जाओ, चलो वहाँ पर खाओ जाके। अब ये खा लेंगी और बाजरा भी दे देंगे इनको, चूजे वगैरह वो खाएंगे फिर इनको छोड़ेंगे खाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। और बहुत जल्द हम ईगल ट्रैप लगाएंगे, दुआ करना पकड़ी जाए।